आप भी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं? आप सवाल थोड़ा सा दोहराइए क्योंकि मैं किसी और चीज में एफएनओ में मार्जिन के नियमों में बदलाव किया गया है या। तो अगर आपके पास हेज्ड पोजीशंस हैं या। आप एक स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हैं तो जो हमें एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कल से जो मेरी बातचीत हुई है कि 60-70% के आसपास तक आपकी मार्जिन दरअसल कम हो जाएगी क्योंकि रिस्क के आधार पर मार्जिन लगेगा। अगर आप हेज हैं तो जाहिर है कि दोनों तरफ एक साथ लॉस नहीं आएगा। अब तक आपको दोनों तरफ मार्जिन देनी पड़ती थी जो कि लॉजिकली गलत था सेल साइड पे। बिल्कुल, तो अब ये सही हो गया है, इसमें सुधार हो गया है। सर ऑब्वियसली अगर ये होगा तो रिटेल में क्लाइंट का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ पे वही होता है क्योंकि अगर आप सेल साइड पे खड़े हो, अगर फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट स्ट्रैंगल करते हो, आपने नीचे पुट भी बेचा ऊपर कॉल भी बेचा तो दोनों साइड पे आपको तकलीफ होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बेनिफिशियरी होगा और ये मार्केट के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि उससे लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। वाकई एक अच्छा, अगर आप देखें 1 मई से लागू होगा प्रदीप, सिंपली ये है कि आपकी हेज पोजीशंस पे जो है वो मार्जिन सब 60-70% कम हो जाएंगे। एक सिर्फ उदाहरण पेश करता हूँ, मान लीजिए कि आपने 12,000 पे निफ्टी लॉन्ग किया और आपने 12,050 की कॉल बेची हुई है, तो सिंपली ये है कि आप एक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के पैसे देंगे जो कि आपने लॉन्ग किया हुआ है फ्यूचर, और जो कॉल शॉर्ट की है आपने, कॉल शॉर्ट की है उस पे क्या करता था ब्रोकर आपसे एक पूरे के पूरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के, अगर आपने कॉल बेची हुई तो पैसे ले लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप 12,050 तक वैसे ही रिस्क फ्री हैं, तो इसीलिए जो कॉल बेची है आपने उस पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का पैसा ना लेके अब कम मार्जिन लिया जाएगा जो कि 60-70% अगर आप देखें एग्जैक्ट फ्यूचर के मार्जिन से कम होगा, तो अच्छी है और बात है। लेकिन आई थिंक ऑप्शन राइटर्स को स्पेशली जो हेज पोजीशंस पे ट्रेड करते थे उनको बेनिफिट मिलेगा। अब चलते हैं आशीष।